मेरा एक पारिवारिक रिलेशन है इस क्षेत्र से, हमारा ये नहीं है, हमारा है कि चौमुखी विकास हो, हर घर में शिक्षा हो, हर के बच्चे पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर बने। बिचौलियों कितनों आएंगे, बोरा का बोरा खोल देंगे, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपकी बार जनता वार्ड सदस्य लेके जिला परिषद तक स्वच्छ छवि के आदमी को जिताने का काम करेंगे। यहाँ पर ऐसे जनप्रतिनिधि को हमारे जनता मालिकों ने चुन के भेजे हैं जो विकास नहीं सिर्फ दलाली का काम करते हैं कि हमको विकास नहीं, जनता को भड़काओ, एक माहौल बनाओ, उससे वोट ले लो, वोट विकास के नाम पर नहीं, वो अपने विकास के नाम पर। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 है और मेरे साथ अभी जिला परिषद उम्मीदवार अविनाश कुमार यादव उर्फ चिंकू यादव जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर इस बार का चुनाव इनके लिए कितना ख़ास है और इनके चुनावी मुद्दे के साथ साथ बाकी जितनी सारी बातें हैं वो क्या है। जी अविनाश जी, सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि इस बार आप चुनाव में उतरे हैं, आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? हमारे चुनावी मुद्दे हैं कि विकास, कि हमारे क्षेत्र में अभी तक जो विकास होना चाहिए बहुत पीछे हो चुका है। इसलिए पीछे हो चुका है कि यहाँ पर ऐसे जनप्रतिनिधि को हमारे जनता मालिकों ने चुन के भेजे हैं जो विकास नहीं सिर्फ दलाली का काम करते हैं कि हमको विकास नहीं, जनता को भड़काओ, एक माहौल बनाओ, उससे वोट ले लो, वोट विकास के नाम पर नहीं, वो अपने विकास के नाम पर। जनता मालिक तो निर्दोष हैं, वो तो जानते हैं कि चलो भाई इनको किसे वोट दे देंगे, जीत जाएंगे तो मेरा विकास। जीतने से पहले इतना किसे प्रलोभन, इतना बनाते हैं कि ये बना देंगे, ये बना देंगे, ये बना देंगे, तो लोग को लगता है बाप रे, चुनाव से पहले कह रहे हैं कि इतना ये बना देंगे, तो चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। आजकल सेंटीमेंट पर वोटिंग किया जाता है, पिछले बार सेंटीमेंट पर वोटिंग हुई थी, लेकिन अब की बार सेंटीमेंट पर वोटिंग नहीं होने जा रही है। जनता मालिकों ने तय कर लिया है कि हमको ऑनेस्ट अच्छे प्रतिनिधि को बना के भेजना है जो हमारी आम आवाज़ों को जिला से राज तक पहुंचाने का काम करें। आपने तो मंदिर बनाया नहीं। देखिए, हमारा काम है, हमारे इस क्षेत्र से हमारा प्रत्येक परिवार से एक पारिवारिक संबंध है, हर वर्ग के लोगों से मेरा घरेलू संबंध है। इसलिए मेरे स्वर्गीय दादाजी जय कुमार बाबू यहाँ से MLA रह चुके हैं, एक बार नहीं सात बार रह चुके हैं, MP भी रह चुके हैं भागलपुर लोकसभा से। फिर मेरे पिताजी स्वर्गीय विजय बाबू इस क्षेत्र से श्रीनगर से मुखिया रह चुके हैं निर्विरोध 27 साल। फिर इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। मेरी माँ राधा देवी जिला पार्षद रह चुके हैं इस क्षेत्र से। मेरा एक पारिवारिक रिलेशन है इस क्षेत्र से, हमारा ये नहीं है, हमारा है कि चौमुखी विकास हो, हर घर में शिक्षा हो, हर के बच्चे पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर बने, हर रोड गली मोहल्ला में बने, हॉस्पिटल बने, हर घर में बिजली जले, सब खुशहाल रहे, यही मेरी तमन्ना है और यही हमारे पूर्वजों ने किए हैं और यही हमारा जीतने के बाद करेंगे। हमको ये नहीं है कि जनता के बीच जाके कह देंगे कि हम मंदिर बना देंगे, हम मस्जिद बना देंगे, हम ताजमहल बना देंगे, ये प्रलोभन देने की हमारी मानसिकता नहीं है। हमारा है कि हम ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट की तरह काम करेंगे और जनता मालिकों के बीच जाएंगे, मेरी आवाज़ को सुनेंगे और वो लोग तय कर चुके हैं कि हमको अच्छे लोगों को जिता के भेजना है। एक बात आम देखा गया है, खास करके पंचायत चुनाव में, हालांकि लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव को पंचायत चुनाव से कभी जोड़ करके देखा नहीं गया था, ये दोनों अलग अलग है, ये गांव की सरकार है, वो प्रदेश की सरकार है, वो देश की सरकार है। लेकिन आजकल के दौर में जिस तरह से प्रतिनिधि जीतने से पहले या जीतने के बाद भी प्रलोभन देते हैं कि आपके लिए हम शादी में 5,000, 10,000, 20,000 दे देंगे, क्रिकेट खेलते वक्त जो लड़का है क्रिकेट प्रेमियों को पैसा दे देंगे, मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, तो इस बात को लेकर आपको क्या कहना है? देखिए पत्रकार साहब, आप जो बताए कि लोकसभा और विधानसभा पार्टी विशेष की चुनाव है और ये पंचायत चुनाव जो है व्यक्तिगत चुनाव है और हर आदमी जानते हैं कि हम कैसे लोगों को प्रतिनिधित्व बना के भेजें। आप देखे होंगे 3-4 कमिश्नरी में गत चुनाव हुआ पंचायत का, कितने दलाल बिचौलियों चुनाव जीत के आए, उसमें
सारे चुनाव हार गए, जितने बिचौलियों थे सारे चुनाव हार गए। उसमें सिर्फ चार कमिश्नरी में वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया तक ऑनेस्ट जो थे सात जीत के आए। अब जनता समझ चुकी है ये बहुरूपियों की बात कि अब इस बहुरूपियों के बात पर नहीं आना है और हमें स्वच्छ आदमी को नेतृत्व देना है जो विकास कर सके, जो आने वाले पीढ़ी को शिक्षा दे सके, स्वास्थ्य के लिए हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र करवा सके और सुरक्षा के दृष्टि से एकदम खुशहाल रह सके जिंदगी जीने के लिए। सब आदमी थोड़े सोचते हैं कि हम नेता बन जाएंगे, सब आदमी सोचते हैं आम आवाम कि हमारा नेतृत्व करने वाला ऐसा आदमी हो जो सारे घर को खुशहाल रखे, सबकी बात सुने। बिचौलियों कितनों आएंगे, बोरा का बोरा खोल देंगे, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपकी बार जनता वार्ड सदस्य लेके जिला परिषद तक स्वच्छ छवि के आदमी को जिताने का काम करेंगे। ये हम घूमते हैं तो हमको अनुभव होता है कि जनता को कितना इससे पूर्व में शोषण किया गया है। एक रुपया सरकार के तरफ से आता है और पंचायत आते आते 10 पैसा का विकास होता है और सारे रुपया ये बिचौलियों, ये नेता नहीं कहिए, ये बिचौलियों सारे लूट लेते हैं और जनता मालिक को सिर्फ 10 पैसा देखने के लिए मिलता है। 10 पैसा पर क्या विकास होगा? अगर एक रुपया पूरे पंचायत में लग जाएगा तो हमारा पंचायत, हमारा राज, हमारा प्रखंड, हमारा देश स्वर्ग हो जाएगा, अमेरिका से आगे हो जाएगा। लेकिन ये बिचौलियों को, बिचौलियों सब आके इस समाज को गंदा करने का काम करते हैं। इसलिए इस समाज के सारे जनता मालिकों को सोचना चाहिए कि बिचौलियों को उखाड़ के फेंक दें, स्वच्छ आदमी को जिताने का काम करें, स्वच्छ ढंग से विकास करने का काम करें। गली मोहल्ले हर जगह रोड हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सबके बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, यही सब जनता मालिकों का अब की बार निर्णय होने जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि स्थानीय वर्सेस बाहरी इस बार होने वाला है चुनाव? देखिए, एक बार आप किसी को ठग सकते हैं, बारंबार नहीं ठग सकते हैं। एक बार आप आके बहुत बड़ा बड़ा प्रलोभन दे के चले गए, लेकिन अब जनता मालिकों समझ गए हैं कि बहुरूपियों को कितनों भी बहकावा में करेंगे, उनके बहकावा में आने वाले नहीं हैं। वो अब की बार तय कर लिए हैं कि स्वच्छ छवि के, स्वच्छ चरित्र वाले आदमी को जिता के हम भेजें, जिनके सामने में जाके हम अपनी बात रख सकें, आम आवाज से काम करा सकें, ऐसे नेता को चुनने जा रहे हैं। अभी हम क्षेत्र घूमते हैं, हर वर्ग के लोगों से मुझे स्नेह और प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं, आप कहाँ थे, हमको आपकी इंतजार थी, हम लोग सोच रहे थे आपकी बार हम किसको वोट करेंगे। लेकिन हम जब आए फील्ड में तो अब जनता मालिकों ने कह रहा है कि नहीं, अब आपको हम लोग नेता बनाएंगे। नेता तो थे ही, नेता आपका परिवार है ही, लेकिन हम लोग स्वच्छ छवि आदमी को नेता बनाएंगे और हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि हम जिस तरह हमारे पूर्वजों ने आप लोग के दिल को जीतने का काम किए हैं, उसी तरह हम भी आप लोगों को दिल के में जीतने का काम करेंगे और सर्वन बेटा की तरह निभाने का काम करेंगे। हमको दौलत कमाने की जरूरत नहीं है, बिचौलियों जैसे ठकने की जरूरत नहीं है, किसी को फंसाने की जरूरत नहीं है। हमको है कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, जो हमें गर्व होगा कि हम उस क्षेत्र के नेतृत्व कर रहे हैं जो हमारा चौमुखी विकास है। हर घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, हर घर में खुशहाली है, हर घर में चिकित्सा, सारे लोग अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है और रहेगा। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू पत्रकार। अभी मेरे साथ थे अविनाश जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना था कि हम इस बार अगर जीतते हैं और जीत करके अगर हम आते हैं तो हम समाज के उद्धार के लिए चाहे जितना भी कोशिश हो सके वो करते आ रहे करेंगे, क्योंकि अगर रिकॉर्ड की बात करें तो इनका पूर्वज जितने भी थे सबका सब समाज के भलाई के लिए ही कदम उठाए थे और उसके लिए पूरा ज़िंदगी समर्पित कर दिया था। तो इनका यह भी कहना है कि आप किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए, चूँकि अगर कोई प्रतिनिधि जीत करके वापस चला जाएगा तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा और नुकसानदेह होगा। वजह क्या है कि देखिए, आजकल के दौर में खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, वो बहुत पुराना डायलॉग है। इसके अलावा आपको चलने के लिए कम से कम सामने से सड़क अच्छी होनी चाहिए, ना कि आपको मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना आपको शादी के वक्त में 5,000-10,000 जो प्रलोभन देते हैं वो चाहिए, ना ही आपको क्रिकेट के दौरान जो पैसे दिए जाते हैं वो चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।